अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मारूफ खान। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम लोग मेरिट एंड मेरिट के सेकेंड ईयर जोलॉजी के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू है सॉल्ट वाटर फिश एक्सक्रीट। सो सॉल्ट वाटर फिश एक्सक्रीट करता है, यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है एक्सक्रीट कौन सा? यूरिन करता है। सो आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड यूरिन। आपको ये पता होगा कि हाइपोटोनिक में वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है एंड सॉल्यूट की कंसनट्रेशन, सॉल्ट कंसनट्रेशन कम होती है। एंड हाइपरटोनिक में सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा एंड वाटर कंसनट्रेशन कम होती है। अब जब सॉल्ट वाटर फिश हैं तो उनके पास सॉल्ट, उनके पास मैरीन वाटर है। ये मैरीन वाटर मतलब सॉल्ट ज़्यादा है एंड वाटर कम है। अब जब वो एक्सक्रीट करेंगे तो वाटर उनको अपने अंदर कंजर्व करने के लिए कंसनट्रेटेड यूरिन को एक्सक्रीट करना पड़ेगा, और कंसनट्रेटेड यूरिन हाइपरटोनिक होता है, नेचर होता है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। एमसीक्यू नंबर टू, दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लिवर। सो फंक्शन ऑफ लिवर एक्सक्रीशन, थर्मोरेगुलेशन, यूरिया फॉर्मेशन, डिटॉक्सिफिकेशन। एंड थर्मोरेगुलेशन, यूरिया फॉर्मेशन, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, ये सारे के सारे फंक्शन होते हैं लिवर के, बट एक्सक्रीशन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लिवर। किडनी, किडनी का रोल होता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। एमसीक्यू नंबर थ्री, द पीएच ऑफ यूरिन इज, यूरिन फाइव होती है और ये एसिडिक इन नेचर है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी है, ये आपके फर्स्ट चैप्टर होमियोस्टेसिस में भी दिया हुआ है। नंबर फोर है, अपर लिम कंटेन्स। सो एक होता है पेक्टोरल गर्डल, एक होता है पेल्विक गर्डल। अपर लिम में पेक्टोरल गर्डल आता है, हाइंड लिम में पेल्विक गर्डल। सो यहाँ पे क्या होगा, अपर लिम में इन्होंने सिर्फ 30, 25, 20 एंड 35 बोन्स दी हुई है। टोटल अगर पूछी होती तो फिर 60 तो होता, टोटल अगर पूछनी होती तो 60 होता, बट यहाँ पे 30 है। तो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन सी होगा, अपर लिम कंटेन 30 बोन। अपर लिम में, अपर लिम जिसको हम फोर लिम कहते हैं, तो ईच ऑफ द ह्यूमन फोर लिम में कंटेन करता है वो 30 बोन्स। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है। फाइव है, द मैकेनिज्म इन विच एन एनिमल शीट इट्स ओल्डर एक्सोस्केलेटन एंड ग्रोज अ न्यू वन, इट्स प्लेस इज कॉल्ड। तो ये होता है एकिडाइसिस एंड मोल्टिंग भी कहते हैं। ये डेफिनेशन होती है एकिडाइसिस मोल्टिंग की, जिसमें एनिमल शीट कर देते हैं अपने ओल्डर एक्सोस्केलेटन को, देन फिर न्यू ग्रो कर लेते हैं। वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ ए होगा, जैसे कि स्नेक। एमसीक्यू नंबर सिक्स है, द वर्टिब्रल कॉलम हैज दीज जॉइंट्स अमंग इट्स वर्टिब्रेट्स। सो वर्टिब्रेट्स में ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, जब तो जो वर्टिब्रेट्स, जो वर्टिब्रे को ग्लाइड करने में हेल्प करता है, जबकि स्लाइडिंग जॉइंट आपके रिस्ट एंड एंकल में होता है, जिसकी वजह से रिस्ट एंड एंकल की बोन्स एक दूसरे पर स्लाइड कर सकती हैं, तभी तो बहुत सारी डायरेक्शन में वो मूव कर सकते हैं। एमसीक्यू नंबर सेवन, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स आर। सो बाइसेप एंड ट्राइसेप दोनों एंटागोनिस्ट नेचर होते हैं, लाइक अपोजिट वेज में काम करते हैं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। एमसीक्यू नंबर एट, लेबर इज इंड्यूस्ड बाय, यहाँ ये ऐसे ही लिखा हुआ था, यहाँ पे लेबर पेन होगा। ऑफ कोर्स लेबर पेन इंड्यूस होता है बाय ऑक्सीटोसिन। स्किन और ऑक्सीटोसिन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, एक तो लेबर पेन में बहुत हेल्प करता है, फिर ये ग्लैंड्स में मिल्क की प्रोडक्शन भी करता है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। एमसीक्यू नंबर नाइन है, द ब्रेन इज कवर्ड इन। सो ब्रेन के पास थ्री मेनिंजेस होती हैं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे थ्री होगा, इन्होंने इसी को, इन्होंने यही कहा हुआ है कि द ब्रेन इज कवर्ड इन, तो थ्री मेनिंजेस में कवर्ड होता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है जो इसको प्रोटेक्शन देता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सारे न्यूरॉन्स बात होते हैं इसी फ्लूइड में। नंबर टेन है, अ ह्यूमन फीमेल हैज़ अराउंड डैश ओसाइट्स इन ईच ओवरी। सो ये आपकी बुक लाइन है कि ह्यूमन फीमेल की ओवरी में अराउंड 2 लाख होते हैं ओसाइट्स। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, जबकि मेच्योर से वैसे 450 होता है। एमसीक्यू नंबर 11, ट्यूब इज अ डेरिवेटिव ऑफ। सो आपने नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ मेसोडर्म, तो उसमें पता होगा कि न्यूरल ट्यूब डेरिवेटिव होता है मेसोडर्म का। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी है। एमसीक्यू नंबर 12, नी जैक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सो टेक्सिस रिफ्लेक्सिस लर्निंग इनसाइड लर्निंग दिया हुआ है। नी जैक एग्जाम्पल होता है रिफ्लेक्सिस का, जिसमें ब्लिंकिंग ऑफ आइज वगैरह आती है, कोई भी मूवमेंट फॉरन से जो होती है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी है। एमसीक्यू नंबर 13, नेसल सब्सटेंसेस कंटेन। अगर आपने न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो आपको पता होगा उसमें एक सोमा होता है, जिसको हम सेल बॉडी कहते हैं। इनके पास ना, इनके पास एक टिपिकल ऑर्गनील होता है, जिसको हम कहते हैं नेसल सब्सटेंसेस, और नेसल सब्सटेंसेस कंसिस्ट करता है राइबोसोम्स के ऊपर। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए है। एमसीक्यू नंबर 14, दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सो डाइनसेफलॉन एंड टेलीसेफलॉन, आपको पता होगा लार्जेस्ट पार्ट सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम पार्ट है टेलीसेफ्लॉन का। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, टेलीसेफ्लॉन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, जबकि डाइनसेफ्लॉन में आपके पास थैलेमस आता है, लिम्बिक सिस्टम आता है। लिम्बिक सिस्टम अलग से डिफ्रेंशिएट होता है 3 पार्ट्स में, एमिग्डाला, हिप्पोकैम्पस एंड हाइपोथैलेमस। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी है, टेलीसेफ्लॉन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, और अगर यहाँ पे सेरिब्रम होता तो वो भी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होता।
एमसीक्यू नंबर 15, अ फुली कॉन्ट्रैक्टेड सार्कोमेयर इज दिस पैसेज शॉर्टर देन इट्स ओरिजिनल लेंथ। सो ये आपके पास पूरी बुक लाइन है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन बताई हुई है सार्कोमेयर की। तो ये बुक लाइन है, उन्होंने कहा हुआ है कि फुली कॉन्ट्रैक्टेड सार्कोमेयर जो है वो 35% शॉर्टर हो जाता है, क्योंकि क्या होता है जब हम मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सार्कोमेयर शॉर्ट हो जाता है, वो ओरिजिनल लेंथ से 35% शॉर्ट हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए है। एमसीक्यू नंबर 16 है, द साइंस ऑफ एजिंग इज कॉल्ड द साइंस ऑफ एबनॉर्मल डेवलपमेंट टेरेटोलॉजी होती है, जबकि साइंस ऑफ एजिंग इज नोन एज गेरोंटोलॉजी। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी है। नंबर 17 है, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन आर प्रोड्यूस बाय, सो एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस के जरिए, जबकि ये स्टोर हो जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में एंड देन फिर रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। यहाँ पे प्रोड्यूस पूछा हुआ है, हाइपोथैलेमस करेक्ट होगा, हाइपोथैलेमस करेक्ट होगा। करेक्ट ऑप्शन है सी। एमसीक्यू नंबर 18 है, ग्लूकागॉन इज सिक्रेटेड फ्रॉम अल्फा सेल्स बीटा सेल्स गैमा सेल्स ऑफ पैनक्रियास, सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसका अल्फा सेल होगा, क्योंकि ग्लूकागॉन सिक्रेट होता है अल्फा सेल से, पैनक्रियास के अल्फा सेल से, और बीटा सेल से सिक्रेट होता है इंसुलिन। ग्लूकागॉन जब सिक्रेट होता है जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है एंड देन फिर ये डिक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को, ये दोनों एंटागोनिस्ट नेचर काम करते हैं, अपोजिट वेज में काम करते हैं, जबकि बीटा सेल जब इंसुलिन को रिलीज करते हैं सिक्रीट करते हैं ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है इन रिस्पॉन्स टू हायर लेवल कर सकें ग्लूकोज का ब्लड में। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, ग्लूकागॉन इज सिक्रीटेड फ्रॉम अल्फा सेल्स। If you have any query regarding these MCQs, so let me know. Inshallah, I will tell you and solve your query. And if you like this video, then share with your friends too. All the best to all of you. Allah Hafiz.